माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में, जो कि क्लास 10th की फिजिक्स की यूनिट जिसका नाम है लाइट, उसका वीडियो लेक्चर नंबर है 11, जिसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोबारा, जो है अपने आप में बड़ा ही न्यारा। क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, वो सभी बच्चे जो लगातार मेरे लाइट के वीडियोस देखते आ रहे हैं, खास करके वो बच्चे जिन्होंने मेरे अब तक के सभी वीडियोस को देखा है, वो बखूबी जानते हैं कि कैसे मैं सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करा रहा हूं। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो मेरी उसे सजेशन है कि पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स देखो, तब जाके आपको समझ आएगा, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर एक कॉन्टिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि आज के लेक्चर में मैं कुछ ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सही आपने सुना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक बच्चा बोला इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये कि कॉन्वेक्स लेंस की मदद से जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने की कोशिश की जाती है तो इमेज कैसी बनती है, और किसी भी लेंस के थ्रू जब लाइट पास होकर रिफ्रैक्ट करती है तो किन रूल्स के बेसिस पे इमेज बनती है, ये मैंने आपको बखूबी सिखाया था कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब किसी ऑब्जेक्ट की आने वाली लाइट रेस को रिफ्रैक्ट किया जाता है तो किन रूल्स को फॉलो किया जाता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि हम सीख चुके हैं हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से बेस्ड है हाउ टू ड्रॉ अ इमेज या हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव लेंस। तो आपकी जानकारी के बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो पूरी तरह से इसी बात पे बेस्ड है, रे डायग्राम। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, रे डायग्राम कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है कॉनकेव लेंस के द्वारा, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमने कॉनवेक्स लेंस लिया था और प्रिंसिपल एक्सिस को बनाया था, यहां पे F2 और यहां पे 2F2 को बिठाया था, यहां पे F1 और यहां पे 2F1 को बिठाया था, द लाइट दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल मीट एट फोकस, यानी ऑल द लाइट रेज that come parallel to the principal axis in case of a convex lens meet at focus। अब यही अगर principal axis को आगे extend कर दिया जाए, इसी principal axis को आगे, और यहां पे बना दिया जाए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों एक कॉनकेव लेंस, और इसी कॉनकेव लेंस का यहां पे बना दिया जाए F2, यहां बना दिया जाए 2F2, यहां बना दिया जाए F1 और यहां बना दिया जाए 2F1, वापिस से लाइट रेज फ्रॉम इंफिनिटी, ऑल द लाइट रेज दैट कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस फोकस की तरफ नहीं जाती, डाइवर्जेस अवे, यानी फोकस के रास्ते डाइवर्ज करती है, यानी जो लाइट रे है वो आती तो पैरेलल है और जाती भी फोकस के रास्ते है, लेकिन फोकस की तरफ नहीं, फोकस से दूर। अब इस हिसाब से अगर ये रे डायग्राम देखा जाए तो सर कॉन्वेक्स लेंस के केस में, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट रेस की मुलाकात हो रही है, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में लाइट रेस की मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि यार तुम्हारी मुलाकात कहां होगी, तो कहीं पीछे यहां जाके मुलाकात होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस पे, आई रिपीट माय सेंटेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे आने वाली पैरेलल लाइट रेस, कॉन्वेक्स लेंस पे आने वाली पैरेलल लाइट रेस किसी पॉइंट पे मीट करती है, आने वाली पैरेलल लाइट रेस किसी पॉइंट पे मीट करती है, किसी पॉइंट पे मीट करती है। और आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मीट करती है को हम कहते हैं कन्वर्जेंस, यानी ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और कॉनकेव लेंस में मैं यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो बात मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस में आने वाली पैरेलल लाइट रेस, आने वाली पैरेलल लाइट रेस फैल जाती हैं, दैट इज दे डाइवर्ज। ये बात मैंने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 10 के आखिरी कुछ मिनटों में बताई थी कि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो लाइट रेस को मिलाने का काम करता है, और कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो लाइट रेस को फैलाने का काम करता है। लेकिन पता है एक बच्चा क्या पूछता है, कहता है सर ये जो बात आपने बताई है इससे आप क्या सिखाना चाहते हो। हाँ, अभी तक मैं ना तो रूल्स पे गया हूं ना ही रे डायग्राम पे गया हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बताने की कोशिश करी है जो कि उस बात से रिलेटेड है जो हमें पता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें यह पता है कि पैरेलल आने वाली लाइट रेस इस फोकस पे मीट करती है, लेकिन कॉनकेव लेंस में पैरेलल आने वाली लाइट रेस इस फोकस से दूर जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड वाले फोकस को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के केस में असली फोकस F2 होता है, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में मैं बताना चाहूंगा लेफ्ट साइड वाले फोकस का मतलब हुआ दैट इज F1 को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस का असली फोकस राइट साइड पे लाई करता है, कॉनकेव लेंस का असली फोकस लेफ्ट साइड पे लाई करता है। एक बच्चा कहते हैं सर ये असली नकली क्या होता है। हाँ, हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि असली नकली क्या होता है, फिर भी सुन लो, याद करो, कॉनकेव मिरर के केस में भी जब लाइट रेस पैरेलल आई थी तो एक पॉइंट पे मीट करती है। तो अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन फोकस, यानी फोकस होता क्या, फोकस का क्या मतलब होता है, फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि आप मुझ पे फोकस करो, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका सारा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। किसी स्टेज के ऊपर जब कोई शो चल रहा होता है तो लाइट का एक फोकस किसी एक व्यक्ति पर जाता है, उसको स्पॉटलाइट भी कहते हैं। तो फोकस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे या तो लाइट रेस एक्चुअली में मीट करती है या फिर लाइट रेस एक्चुअली में मीट करने की कोशिश करती है। अब हमें यह देखना है कि वो मीट करने की जहां कोशिश एक्चुअली में कर रही है या जहां एक्चुअली में हो रही है या जहां कोशिश कर रही है, वो पॉइंट लाई कहां करता है। अब वो पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस के केस में राइट साइड पे लाई करता है और वो पॉइंट कॉनकेव लेंस के केस में लेफ्ट साइड पे लाई करता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का एक्चुअल फोकस, या मुझे कहना चाहिए प्रिंसिपल फोकस, राइट साइड पे होता है। क्योंकि दिखने में तो लेंस के केस में दो दो फोकस है, F1 F2। मिरर के केस में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि लेंस के केस में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। एक बच्चा कहता है मैं तो कंफ्यूज ही आ गया कि F1 को असली फोकस मानूं या F2 को असली फोकस मानूं, कौन सा असली फोकस है, क्योंकि फोकस
जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक फोकल लेंथ नहीं पता चलेगा। अच्छा सोचा, फोकस पता चलेगा तो ही तो फोकल लेंथ पता चलेगा। तो फोकल लेंथ पता लगाने से पहले फोकस पता लगाना जरूरी है, और फोकस पता लगाने से पहले फोकस होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट रेस पैरेलल आने के बाद या तो मीट एक्चुअली में करती है या करने की कोशिश करती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में पैरेलल आने वाली लाइट रेस राइट साइड में मीट एक्चुअली में करती है, तो कॉन्वेक्स लेंस का असली फोकस राइट साइड पे है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में पैरेलल आने वाली लाइट रेस जिस फोकस पे मीट करने की कोशिश करती है वो एक्चुअली में उस फोकस के रास्ते उसकी तरफ नहीं उससे दूर जाती है। कॉन्वेक्स के केस में फोकस की तरफ आती है, कॉनकेव के केस में फोकस से दूर जाती है। कॉन्वेक्स के केस में टू वर्ड्स द फोकस जाती है, कॉनकेव के केस में अवे फ्रॉम द फोकस जाती है। तो जिस फोकस की तरफ या जिस फोकस से दूर लाइट रेस जाती है उसी फोकस को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक बार अच्छे से घूरो, दो बार अच्छे से देखो, और आए अगर आपके मन में कोई सवाल तो मेरे बच्चों मचाओ बवाल। अब आपको समझना है कि दोनों डायग्राम्स आपके सामने मैंने बना दिए हैं, और दोनों डायग्राम्स को आप देखकर इतना विजुलाइज कर सकते हो कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। सवाल आता है सर इस कोशिश से ये चीज तो क्लियर नहीं होती कि कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम क्या होंगे और कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बनता कैसे है। तो कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बनाने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है दैट व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन, फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। आइए तो आपको बताना चाहूंगा कि क्या बेसिक रूल्स होते हैं। कोई बहुत मुश्किल रूल्स नहीं है, रूल्स वही है जो आपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़े थे। बस फर्क इतना है कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को मिलाने का काम करता है और कॉनकेव लेंस लाइट रेस को फैलाने का काम करता है। आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो और समझो कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा रूल्स की, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस के थ्रू बनने वाली इमेज के लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या होते हैं ठीक उसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से कॉन्वेक्स के लिए पढ़ाया था। तो यहां पे जगह बना देता हूं, सबसे पहला रूल और सबसे दूसरा रूल एंड देन आएगा आपका तीसरा रूल। आइए मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों, यहां पे मैंने लिखा अपना रूल वन, यहां लिखा मैंने रूल वन, यहां लिखा मैंने रूल टू और यहां लिखा मैंने रूल थ्री। आइए जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और देखते हैं क्या होगा। रूल वन क्या कहता है, सबसे पहले मैंने कॉनकेव लेंस बनाया, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कॉनकेव लेंस कैसा होता है। फिर से मैंने यहां पे कॉनकेव लेंस बनाया, आपको मैं पहले बता चुका हूं कॉनकेव लेंस क्या होता है। फिर से मैंने कॉनकेव लेंस बनाया, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। ये और ये देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, यहां पे मैंने किया F2, यहां मैंने किया 2F2, यहां मैंने किया F1, यहां मैंने किया 2F1, फिर से मैंने यहां किया F2, यहां मैंने किया 2F2, यहां मैंने किया F1, यहां मैंने किया 2F1, फिर से मैंने यहां किया F2, यहां मैंने किया 2F2, यहां मैंने किया F1 और यहां मैंने किया 2F1। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा दूरी पे ही 2F1 के पीछे बिठा देता हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूरी पे 2F1 के पीछे बिठा देता हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूरी पे 2F1 के पीछे बिठाता हूं। ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ ऑब्जेक्ट। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस।
यानी फोकस के रास्ते डाइवर्ट करती है, मतलब वो लाइटें जो पैदल जाती है वो फोकस से पास करने की बजाय फोकस से दूर जाती है। तो मैं यहां पे हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको समझ आए, पैरेलल आने वाली लाइट रे, पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस के अलोंग दूर चली जाती है, फोकस के अलोंग दूर चली जाती है। दैट इज इट डाइवर्जेस अवे अलोंग द फोकस, इट डाइवर्जेस अवे अलोंग द फोकस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों, मतलब फोकस से पास नहीं हो रही, फोकस के रास्ते डाइवर्ट कर दी। ठीक है सर, आपकी बात हम मान गए। अगला रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला रूल कहता है द लाइट दैट इज ट्राइंग टू पास थ्रू फोकस, यानी वो लाइट जो फोकस के रास्ते आने की कोशिश कर रही है, मतलब की यहां आने की कोशिश कर रही है, जो लाइट रे फोकस के रास्ते आने की कोशिश करती है, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी मैं यहां लिखूंगा ऑब्जेक्ट से फोकस की तरफ आने वाली लाइट रे, ऑब्जेक्ट से फोकस की तरफ आने वाली लाइट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आइए तीसरे रूल की बात करते हैं, द लाइट दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कंटिन्यूज टू ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट एनी डिविएशन। यानी मैं साफ साफ लिखूंगा, जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो लाइट रे उसी रास्ते आगे चली जाती है विदाउट एनी डिविएशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों, डायग्राम आपके सामने है बनाया, टोटल तीन डायग्राम, पहला जिसमें लाइट रे पैरेलल आ रही थी और वो डाइवर्ट कर गई, किसके रास्ते डाइवर्ट कर गई, फोकस के रास्ते, यानी फोकस की तरफ नहीं गई, फोकस के अलोंग फोकस से दूर चली गई। दूसरे डायग्राम में लाइट रे फोकस से पास करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोकस से पास करने की कोशिश में पैरेलल चली गई। और तीसरे डायग्राम में ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा पहला कॉनकेव लेंस, ये मेरा दूसरा कॉनकेव लेंस और ये मेरा तीसरा कॉनकेव लेंस। ये तीन बेसिक रूल्स आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों, ये तीन बेसिक रूल्स आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं कि जब कोई कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट लाके रखा जाएगा तो क्या हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आने वाली लाइट रे के साथ, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल लगा रहे हैं उस पे। अब सवाल आता है सर, चलो ठीक है मान लिया तीन रूल है, दो रूल से काम बन जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जितने केसेस कॉन्वेक्स लेंस में बन रहे थे उतने केसेस कॉनकेव लेंस में नहीं बनते। कॉनकेव लेंस में देयर आर ओनली टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। बिल्कुल सही आपने सुना। आइए मैं बताना चाहूंगा कि कॉनकेव लेंस में देयर आर ओनली टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, माय डियर लवली चिल्ड्रन ऑफ क्लास 10। तो जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, उसे सुनो ध्यान से और समझो पूरी तरह से कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं यहां लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात। मैं यहां लिख रहा हूं, there are only two cases of image formation by
कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के द्वारा सिर्फ दो ही केस होते हैं। चलिए जगह बनाते हैं और जगह बनाकर यहां पे जिक्र करते हैं केस वन का, यानी पहला केस। यहां लिख दिया मैंने केस वन और यहां पे जिक्र करते हैं केस टू का। अब केस वन और केस टू क्या होता है, इस बात को बताने के लिए सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस बनाता हूं। लो भाई, एक कॉनकेव लेंस यहां प्रिंसिपल एक्सिस को यहां तक पहुंचाया। यहां तक पहुंचाने के बाद दूसरा कॉनकेव लेंस भी यहां बनाया। अब मैंने यहां पे F2 बनाया, यहां पे 2F2 बनाया, यहां पे F1 बनाया, यहां पे 2F1 बनाया, फिर से यहां पे F1 बनाया, यहां पे 2F1 बनाया, यहां पे F2 बनाया और यहां पे 2F2 बनाया। ऑप्टिकल सेंटर को बीच में दिखाया, ऑप्टिकल सेंटर को बीच में दिखाया। अब बात करते हैं केस वन की। केस वन हम तब लेते हैं जब हम ये कहते हैं जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दैट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट बहुत दूर से, बहुत दूर से, बहुत दूर से, बहुत दूर से लाइट ले जाएगी। द लाइट रेज, द लाइट रेज, द लाइट रेज, द लाइट रेज दैट कम अलोंग द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ट्राई टू डाइवर्ज अवे along the focus, away along the focus, away along the focus, away along the focus। बिल्कुल सही, यानी फोकस के रास्ते वो वैसे भी नहीं जा पाती है लेकिन फोकस के रास्ते डाइवर्ज हो जाती है, यानी लाइट रेस फैल जाती है। अभी जब लाइट रेस फैल जाएंगी तो मीट नहीं करेंगी, जब मीट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनेगी, जब इमेज नहीं बनेगी तो अगर हमने थ्योरेटिकली इन लाइट रेस को पीछे प्रोड्यूस करके इमेज बनाने की कोशिश करी तो साफ साफ मैं लिख सकता हूं कि बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, यानी बहुत छोटी यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कब तक, जब ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसका नेचर क्या होगा, आओ बताता हूं। पहले ये डायग्राम बनाता हूं। अब मैंने क्या करा, इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा है, रखा गया है। बियॉन्ड 2F1 कह लीजिए या कह सकते हो, और आप कह सकते हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी। तो मान लेते हैं मैंने यहां रखा, तो यहां रखने पर द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ट्राई टू डाइवर्ज अवे अवे अलोंग द फोकस, यानी फोकस के रास्ते भाग जाती है। भाग जा, हमें क्या रूल है, हमने रूल लगाया द लाइट दैट ट्राइज टू पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कॉन्टिन्यूस टू ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये लाइट रे यहां जाने वाली की मुलाकात इससे तो होगी नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई तेरी मुलाकात इससे हो, तो इसकी मुलाकात इससे कराने के लिए हमने इसे पीछे प्रोड्यूस करा और हमारी इमेज छोटी सी ए डैश बी डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी यहां बनेगी, जिसका नेचर साफ पता चल रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पहले देखो, मैं कहता हूं मेरे बच्चों कि पहले डायग्राम देखो फिर मैं बताऊंगा कि इस डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस डायग्राम के बेसिस पे हमें क्या जानना है। नोटिस करो, इस पर्टिकुलर डायग्राम में साफ पता चल रहा है कि ना तो लाइट रेज यहां मीट कर रही थी और ना ही लाइट रेज यहां मीट कर रही थी। यार कॉनकेव लेंस में तो लाइट रेज रियलिटी में मीट ही नहीं करती, और आप अच्छी तरह जानते हो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम थ्योरेटिकली लाइट रेस को मीट कराने की कोशिश करते हैं ताकि डायग्राम बनाते समय यह पता लगा सके कि इमेज अगर बनती तो कहां बनती। तो याद रखना, जब लाइट रेस एक्चुअली मीट करती है तो इमेज रियल होती है, लेकिन जब लाइट रेस
एक्चुअली नीट नहीं करती, परंतु उन्हें जबरदस्ती नीट कराने की कोशिश हमारे द्वारा की जाती है, तो इमेज वर्चुअल बनती है। ये एक तरीका है इस बात को समझने का। और दूसरा तरीका ये है कि जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो वर्चुअल होती है, और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो वो रियल एंड इनवर्ट होती है। इस केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, क्योंकि कॉनकेव लेंस के द्वारा बनने वाली इस इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसलिए कॉनकेव लेंस के द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाली इमेज का नेचर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यह इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है, ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत छोटी है। मतलब अगर देखा जाए तो कॉनकेव लेंस कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो दोनों डायग्राम अच्छे से घूरो, दोनों डायग्राम को देख के साफ पता चल रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है। और यही बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्यों? पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस विदाउट टचिंग। एक बच्चा कहता है टच करने को क्यों कह रहे हो, टच करने को क्यों बोला, टच करके क्या पहचानना आसान है? एक्चुअली में टच करके पहचानना आसान है। याद करो मैंने पहले भी बताया था, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है फूला हुआ, और गड्ढा जहां होगा वो कॉनकेव होगा, तो टच करके तो पहचान ही लोगे। एक बच्चा कहता है फिर ये बताओ कि बिना टच करे कैसे पहचानना है? हाँ, ये सुनो कि बिना टच करे कैसे पहचानना है। आपके सामने एक लेंस है, आपको नहीं समझ आ रहा कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। उस लेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को, अरे ऑब्जेक्ट छोड़ो, मैं कहता हूं किताबों के अक्षर को पढ़ने की कोशिश करो। अगर अक्षर उनके नॉर्मल साइज से भी छोटे दिखाई दिए तो समझ जाओ कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है। लेकिन अगर अक्षर आपको बड़े दिखाई दिए तो वो पक्का कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि बड़ी इमेज या एनलार्ज्ड इमेज कॉन्वेक्स तो बनाता है लेकिन कॉनकेव कभी नहीं बनाता। मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों, यही वजह थी कि आपको यह बताना जरूरी था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस विदाउट एक्चुअली टचिंग देम। अब एटलीस्ट आपको यह पता चल गया कि कॉनकेव लेंस लाइट रेस को फैलाता है और कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को मिलाता है। और एक बात और पता चल गई कि कॉनकेव लेंस इमेज छोटी बनाता है। तो दोबारा से सुनो ध्यान से मेरी बात कि कैसे आइडेंटिफाई करना है एक कॉनकेव लेंस को और कॉन्वेक्स लेंस को विदाउट टचिंग। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपके सामने कोई लेंस आ गया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सा लेंस है, टच करके तो पहचान लोगे क्योंकि कॉन्वेक्स फूला फूला होगा और कॉनकेव गड्ढे जैसा होगा, दबा हुआ होगा। तो कुछ मत करो, लेंस उठाओ और अपनी आंखों के सामने कोई भी किताब ओपन करो और उस लेंस के थ्रू उसके अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करो। आप नोटिस करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जो अक्षर हैं वो या तो आपको बड़े दिखाई देंगे या आपको छोटे दिखाई देंगे। अगर अक्षर आपको बड़े दिखाई दिए तो समझ जाओ कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन अगर अक्षर आपको छोटे दिखाई दिए तो पक्का वो कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस एनलार्ज्ड इमेज कभी नहीं बनाता, बता चुका हूं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज भी बना सकता है, छोटी इमेज भी बना सकता है, लेकिन बड़ी बनाएगा तो पक्का कॉन्वेक्स है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स। अब क्या सुनो, हमने रिफ्रैक्शन के टॉपिक में कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन और उसके रूल्स का टॉपिक कर दिया है खत्म, तो फिर कैसी अब ये बात कहने में मुझे शर्म कि हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इस यूनिट में ठीक उसी प्रकार जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो रिफ्लेक्शन के बाद आया था मिरर फॉर्मूला, अब क्योंकि मैं आपको लेंस पढ़ा रहा हूं तो अब आएगा लेंस फॉर्मूला कॉमा मैग्निफिकेशन कॉमा पावर ऑफ द लेंस, आएगा वीडियो लेक्चर नंबर 12, क्योंकि ये है वीडियो लेक्चर नंबर 11। पढ़ाऊंगा आपको एक नया टॉपिक दोबारा,
और खात्मा करूंगा इस टॉपिक को, बनाऊंगा आपके दिल में घुसने के लिए प्यारा और न्यारा। यानी ये टॉपिक हमारे अगले वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लाइट की यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर आने तक थोड़ा सा दिल थाम के बैठो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। आपने इस वीडियो को देखने में जो अपना दिया आपने कीमती वक्त, उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए फिर से आपका थैंक यू वंस अगेन।